नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभिन 24 न्यूज़। दोस्तों, जिस तरीके से शुभम का शव जो है कतलेड़ी के पास मिलता है और वहां पर आप देख सकते हैं पुलिस की काफ़ी सारी टीमें यहां पर पहुंची हुई हैं। देख सकते हैं मौके पर जो DSP हैं, अन्य और सभी अधिकारी हैं वो यहां पहुंचे हुए हैं और सभी जो परिजन इस समय मौके पर आप देख रहे हैं वो सारे यहां पर पहुंचे हुए हैं और फिलहाल देख सकते हैं यहां पर पुलिस से बातचीत करने का यहां पर प्रयास करते हुए जो परिवार है शुभम का परिवार वो यहां पर जो है न्याय की मांग करता नज़र आ रहा है। शुभम का जहां पर बरेड़ी गांव जो असंत के पास है उसके पास कतलेड़ी के पास उसका शव कल मिला था। बता दें तो 6 महीने पहले पंचायत हुई थी, पंचायत के बीच में उनका ये आरोप है कि जो दूसरा पक्ष है जो युवती का पक्ष है, क्योंकि मामला जो है वो प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और युवती का जो पक्ष है वो उनकी तरफ से धमकियाँ भी दी गई थी और उसके बाद जाकर कल फ़ोन पर बता रहे हैं कॉल भी की गई और उसकी आवाज़ें सुनाई गई और फिर उसके बाद उसका शव मिला। सुबह उसे किडनैप किया गया, जो परिवार का यहाँ पर आरोप साफ तौर पर दिख रहा था। मौके पर देख सकते हैं जो DSP हैं जैसे अन्य लोग हैं वो सभी मौके पर आप देख सकते हैं बात करते हुए यहाँ पर परिजनों से इस समय देख रहे हैं और ये परिजन इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पर पूरी कार्रवाई की मांग करते हुए। मौके पर देख सकते हैं जो सभी आला अधिकारी इस समय देख सकते हैं मौके के ऊपर पुलिस की टीमें और सभी परिजन जो है देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में जो परिजन है वो देख सकते हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं शुभम के और यहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिस पहले ही यहाँ पर लगा दी गई। कई गाड़ियाँ पुलिस की अभी हैं यहाँ पे क्योंकि मामला काफ़ी संगीन है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और इस मामले को पुलिस जो है काफ़ी ज़्यादा बारीकी से देखते हुए इसमें कार्रवाई करेगी। अभी देख सकते हैं मौके पर जो देख रहे हैं वो यहाँ पर इस मामले को सुनते हुए जो अधिकारी मौके पर आप देख रहे हैं पुलिस के वो देख रहे हैं तस्वीरों में और यहाँ पर मौके पर जो देख सकते हैं जो DSP व अन्य सभी लोग मौके पर बात करते हुए और कार्रवाई की मांग यहां पर करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर सभी महिलाएं भी मौके पर हैं। पहले भी मारपीट हुई थी, कितने समय पहले? 6 महीने की बात हुई है जी, आपको 6 महीने पहले पता चला था? पंचायत की बात थी, मामला भी सुलटन की कोशिश करी फिर दोबारा छेड़ा इन्हें, बार बार टोकन थे छोरे ने। नहीं, जब वो लड़की उन्होंने पूरी पूरी रात उसके घर के उसकी माँ से नशे की गोली देखवा पूरी रात उसके घर में रहे थी और वह रात कंगन बनवा लिया ये लेके उसकी मां से उन्होंने पूछा अब तू कितने ले आई है ये चीज। अच्छा, लड़की इनके घर आती थी? लड़की इनके घर मैसेज करती थी भागने के लिए। 40,000 रुपए तो मेरे बहन से लेके गई हो, मेरे बहन ने दिए अपने घर से निकाले। एक ही बात है जी, हमारी तो एक ही मांग है प्रशासन से, जो ने लिए लड़की को दिए, जब ने लेकर उसके थी मां जब ने पता था उसको पैसे को पैसे भी तुम भी सब कुछ दिया लड़का तो लड़की ने देवेगा पैसे और क्या देगा? अच्छा, कुछ नहीं करना चाहता था। अगर वो शादी करना चाहती ना आज पीछे क्यों उठती? हमारा लाल खपुआ रंग सुना दिया आज वो ज्यादा इज्जत वाली बन गया क्या? नहीं, फोन पर मैसेज करा करती हम बात जाएंगे मैसेज सुनकर छोड़ जैसे आज हमारा मार दिया ना, अगर जैसे आज हमारा मार दिया तो बुलाओ हमारा इंसाफ यही हो जाएगा। उस लड़की को लाओ, ऐसे ही हम उसके कत्ल करेंगे और ना हमने कोई भी कार्रवाई चाहिए। अगर हमारे सामने लड़की आवे है तो केस चोरी का, ना हमारा कोई ना कोई पुलिस का रोड़ा है ना कुछ है। उसने खोल रखा कोठा खोल रखा, जब हुए माँ बाप पैसे गिने थे उन्हें, नहीं पता था तुम्हारी बेटी कहाँ से लावा है किसे की बेटी गलत चल रही है? नहीं, क्या कौन वो सरपंच है जिसने एक अपने गांव का ही लड़का मरवा दिया? गरीब ही रहेंगे क्या? नहीं, इंसाफ तो जब होता आज उसकी इज्जत बचाने के लिए आपने कितने 40,000 रुपए दिए थे? आपने दिए मन्ना, मैंने 7 एक बजे गया, 14 एक बजे गया, 6-8,000 एक ले गया, 10,000 एक लेने वाला लड़की को देता था पैसे। आ मेरे तरफ फिनिश की क्या कर जाओ था मैं फिनिश को मन के बैंक में तो कटवा कटवा दिए। मोटा बेटा था, एक था मेरा बेटा, एक ही बेटा, एक के बेटा था। पैसे क्यों दिए मन्नी साहब? मैं ना जो कर मेरा बेटा नहीं है, मैंने को मुन्ना पिता ने कहा ऐसे था मन्नी साहब मांगू आज जोड़ मैं गरीब हूं, मैं कौन मेरे पास नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। मेरा बेटा जा लिया, मेरा बेटा जा लिया, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं तेरे पैर पकड़ूं क्या? लड़की प्यार करती थी प्यार करती वो मरी क्यों नहीं साथ में? प्यार करती तो वो मरी क्यों नहीं साथ में? हमारा बच्चा क्यों मरवा दिया उसने? वहाँ क्यों नहीं मरी? प्यार यही होता है, एक बंदे ने मरवा दिया वो दिखावे का था प्यार, कुछ नहीं प्यार था, प्यार आता था मेरा बेटा मरवाया जैसे वो भी मरती वैसे ही उसके साथ में मरो।
इतना गहरा प्यार था तो उसका रंडी पैसा खोल रखा उसने इधर से पिटना नहीं है उसके डब्बी है नहीं इन्हें बहुत ज्यादा प्यारी लगी दाल की कुत्ती इनके पास भी सोंदी होगी वह क्या तसल्ली है इसकी इसी की ये उम्र हुआ दिया था तुमसे ये लग रहे इन कुर्सी इन्हें नहीं मरवाओगे क्या वा यहाँ पर आप जो परिवार है उनका यहाँ पर जो आपने देखा उन्होंने आरोप जो है उस लड़की पर साफ तौर पर लगाते हुए उन्होंने बताया कि जो लड़की है उसको पैसे देता था और अन्य चीजें जो है देता था जिसके बाद जो है ये मामला फिलहाल सामने आया। आप सभी से निवेदन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। फिलहाल देखते हैं आगे पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है। धन्यवाद।